खंती खंती का उपयोग करके छह भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। चौकीदार आता है यहाँ क्राइम करने, कहाँ का चौकीदार है? कमलेश जाले थाना का। किस चीज से मारा है उसको? खंती से कट दिया। राजा के खचारे हाथे लाते कर बेटी तीन। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। मामला मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के लोरीगामा का है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या विवाद हो गया दो भाई के बीच, जो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। यहाँ के ग्रामीण है, स्थानीय लोग हम लोग से बात करेंगे। क्या नाम होगा? रत्नेश्वर पासवान बउआ। जिनका हत्या हुआ है जी, वो कौन था? आपने हमारा बड़ा लड़का। बड़ा लड़का था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटे भाई ने बड़े भाई भोज के लिए हुआ बउआ? हो भोज के लिए भी हत्या? हाँ, भोज के लिए हुआ कि गांव वाले को छोड़ दो, हमको खिलाओ, बाकी को छोड़ दो। तो भोज वाला कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब आदमी मिल के खा लीजिए, तो हम पता छीन लेंगे, उस पर पखाना कर देंगे, वही सबको खिलावेंगे। उसके बाद यहाँ आई हम। जिनका हत्या हो गया उनका नाम क्या था? नाम गोविंद पासवान। गोविंद पासवान। हत्या करने वाला जो छोटा लड़का था आपका, उसका क्या नाम? बैजू पासवान। बैजू पासवान। बैजू पासवान को अभी तक पुलिस गिरफ्तार की है नहीं? नहीं, भागा हुआ है। पुलिस तो आई थी। अच्छा। लेकिन भागा हुआ है। अभी सब आया है कि नहीं आया? नहीं नहीं आया। नहीं आया। नहीं। क्या मांग करते हैं ऐसे हथियारों के खिलाफ? क्या मांगता है? आपका पुत्र है, फिर भी क्या मांगता है? हम तो कहेंगे बउआ कि हमारा बेटा चला गया, बेटा के बदले वो भी चला जाए, बुझेंगे इसकी दोनों बेटा मर गया। चाहते हैं कि उसका भी सजा, उसको उसी तरह की सजा मिल जाए। क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं यखने आपका पिता जो है खुद तैयार है। मेरे नाम हुआ सीताराम राय। कहीं हत्या ऐसा जो है तो नहीं हुआ है। मैं 25 साल से देख लिया, ये हत्या हो गया तो हत्या हो। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। प्रशासन आई तो थी लेकिन अभी तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए पटना ले जाया गया है। पटना में इलाज के दौरान ही शायद उनकी मौत हुई है, तो वहां पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद सब आएगा और भी परिजन के लोग उनसे भी बात करेंगे। साथ गोविंद पासवान की पत्नी है, उनसे बात करेंगे कैसे घटना हुआ, कब हुआ और आखिर क्यों हुआ। आप गोविंद जी की पत्नी है? हाँ। वो जो मारे हैं बैजू, वो पूर्व में भी इस तरह का घटना करता था क्या? हाँ ना, पोखरी में राजा के सोजे घुसड़ देला कर लाखन ऊपर से धो के खंती से थूर के राजा के खचारे हाथे लाते कर बेटी तीन गो मौगी ऊ खचारे राजा के हमारा। शांत होइएगा। भोज के लिए ही विवाद हुआ या पूर्व में भी आप लोग का विवाद होता था? भोज के लिए। उससे पहले भी कितना गुंडा लोग, कितना बेर हम लोग को घर के लोग के पिटवा के रख दिया था। अच्छा, इससे पहले जो इस तरह का घटना करता था तो पुलिस नहीं आती थी क्या? पुलिस आते थे, समझा के सिर्फ चले जाते थे, समझा के सजा कारवाई नहीं होता था? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। कितना घर? सर कितना घरों पर बात करते? भैयारी में झगड़ा होता था, केस करवाता है, घर घिंच के मारता है, डकैत लाता है, इधर डकैत तक लाता है, और नहीं से मंगाता है, डकैत लाता तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करता है? कुछ नहीं करता है। वो जाले प्रशासन आते हैं, ताले डकैत से मार पीट के भाग जाते हैं सर। अच्छा, कई बार डकैत लाए गाँव में? तीसरा दो बार लाए हैं, तीसरा बार में की बार में सिर्फ आए हैं ना, तो बोल समझा के चले गए हैं, बोले हैं कि ऐसे दिन के नहीं होगा, अब रात को सुतली रात में गोली बंदूक मार को चले जाएंगे सबको। अच्छा, फिर से बोल रहा था जी? फिर से बोल रहे हैं पापा जी को डेट करने के बाद में। अच्छा, जब हत्या किया तो कौन कौन से हथियार और कितने लोग थे वो लोग? वो लोग ना 4 बेटी 1 बेटा 5 6 आदमी थे। 6 आदमी थे। कौन से हथियार का उपयोग किया था वो लोग? हथियार किए अति बैजू पासवान किए। हाँ, बैजू पासवान को किस चीज से मारा है उसको? खंती से कंठ जांच दिए। खंती से कंठ जांच दिए? हाँ, कंठ जांच दिए खंती से, अपलाखन पोखरी में लेके कूद गया। अच्छा। और उनका बेटी सब 4 गो था, 3 गो ब्याह ले गो कुमार, सब की किए उसी में कूद गया, उसी में लाते मुँह के 4-5 बंद कर मार दिए। अच्छा, कल सुबह घटना हुई, उसके बाद उनको कहाँ ले जाया गया? किसको? गोविंद पासवान। गोविंद पासवान को ले गए बेनीपट्टी, बेनीपट्टी से रेफर कर दिए मधुबनी ले गए, मधुबनी से भी रेफर कर दिए दरभंगा ले गए, दरभंगा से रेफर कर दिए तो पटना ले गए, पटने में मेरे पापा जी डेट कर गए, पटना में डेट कर गए जी। अभी तक सब नहीं आया? नहीं आए। पुलिस आया था कि नहीं? पुलिस आए हैं, आज भी आए हैं, आज चले गए हैं। पुलिस कुछ कह के गया है, वैसे ही चला गया। कह के गए हैं, आप लोग आवेदन दे दीजिए, मैं कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगा। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है, हत्या हो जाए, क्राइम हो जाए, जब तक आप आवेदन नहीं दीजिएगा कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी कारण से बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है लगातार
19 वर्षों से क्राइम बिहार में लगातार बढ़ रहा है। अब बावजूद जो पुलिस प्रशासन की रवैया है उस पर सवाल खड़े होते हैं, आखिर पुलिस का खौफ अगर हत्यारों के बीच हो जाए, अपराधियों के बीच हो जाए, तो इस तरह की अपराध जो है बिहार में कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। यह मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का लड़ुगामा गाँव है। खंती का उपयोग करके छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। और भी कुछ लोग है, ग्रामीण ही है, इन लोग से भी जानेंगे। घटना इससे पहले भी वो करता था या पहली बार किया है? पहली बार। क्या बोल रहे हैं? चार घटना कह लगा। चार घटना क्या क्या किया था? अगारी भतीजा के पे यही ना की कलक जे यही अतिला हमरा बहिन दी आवे ते आले यही जंग ते हमरा बहिन दी के गाड़ी देलक। हमर भतीजा बड़का कहलक की से तू कहला ओकरा मारे चाहिए, इतने लागी कि कलक भाई सब के मंगवा लेलक हमरा बहिन दी के टंगड़ी दादा के चीरे स्तन से पकड़े। तब जाके तकी कलक भतीजा हमर बड़का बादल ओकरा ई सब फोड़ देलक। अच्छा, पूर्व में भी वो छोटे छोटे घटना को अंजाम देता था? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती थी ना? थोड़ा भी दयादी झगड़ा होता है ना तो वो गुंडा को नहरा से बुला के यहाँ पर सबको पिटवाती है। बजू पासवान? हाँ, उनकी पत्नी, उनकी पत्नी सार सब चौकीदार सब है, से सब चौकीदार है सर। हाँ, चौकीदार आता है यहाँ क्राइम करने? हाँ। वो कहाँ का चौकीदार है? कमलेश जाले थाना का। जाले थाना में चौकीदार है। देखिए, ये घटना हो न क्यों ना, अपराधी का तांडव बिहार में क्यों ना बढ़े, जब एक पुलिस वाले यानी कि चौकीदार ही घटना में संलिप्त हो तो क्राइम क्यों ना बढ़े। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। कमलेश नाम है। कमलेश नाम है? हाँ। जाले थाना में है? हाँ। यार कालो कुना एक की कलक मार ले लक हमरा भाई के मर गेल आ वो आए ला हमरा भौजाई सब के ओकरा। देखिए, मधुबनी SP से हम यह भी निवेदन करेंगे कि जो चौकीदार हैं उस चौकीदार पे भी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जांच बैठाया जाए कि वो इस अपराध में शामिल है या नहीं, फिर ये लोग भी झूठ बोल सकते हैं, या फिर वो अगर संलिप्त है इस घटना में तो ऐसे चौकीदार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मधुबनी में हमारे भाई राजा के 3-2 टन से रेफल का दिलाक जब दरभंगा में गए तो वो पहुँच गए सब से समतोला खाए अकादन की कह गई अंकला जन्मैले ओकर बहिन झगड़ा करे। गोविंद पासवान के कितने बाल बच्चे हैं? 7 गो बेटा 1 गो बेटी। सभी का शादी हो चुका है? ना, 4 गो के और 3 गो अभी कुमार है, मर गए हैं उनका। हाँ, गोविंद का ही पूछ रहा है। हाँ, गोविंद के और 3 गो पुता हुआ है, 4 गो आ 3 गो कुमार है, 1 गो बेटी शादी भेल है। 3 गो लड़की कुमार है? ना, 1 गो कुमार है। एगो लड़की या 3 गो लड़का? ना, 3 गो बच्चे। क्या बोल रहे हैं, सही से बोलिए। सुनिए, 7 लड़का है, 7 में 4 लड़का का हो चुका है, 1 ही लड़की है, 1 लड़की का भी हो चुका है, बस मात्र 3 लड़का कुमार। 3 लड़का कुमार है। बस है। कितने साल के होंगे जो कुमार लड़के? सब शादी करने वाला है, जवान है। अच्छा, जवान। आप लोग मांग क्या करते हैं, बैजू पासवान के साथ क्या होना चाहिए? के साथ यही होना चाहिए कि सजा के बदला सजा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। कौन सी सजा? फांसी का सजा, मौत का बदला मौत, यानी कि फांसी की मांग कर रहे हैं। बस हाँ। देखिए, यहाँ के ग्रामीण जो है, जो परिजन है, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसे हत्यारों के, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। और हम मधुबनी प्रशासन से यह निवेदन करेंगे कि इस मामला की अच्छी तरीके से जांच की जाए, उसके बाद अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।